हेलो फ्रेंड्स वेरी वेलकम टू द सक्सेस एजुकेटर आज की इस वीडियो में दोस्तों हम कवर अप करेंगे हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट कोड 761 के लिए जो आप, आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था फर्स्ट नवम्बर दो हज़ार को तो उसको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी आंसर की आप बोल सकते हैं कि हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में तो जिन्होंने भी इस एग्जामिनेशन को भरा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरा जो है आपको इसके आंसर मालूम पड़ जाएंगे तो जो है ये जो क्वेश्चन पेपर जो है मुझे रमन कौशल जी के द्वारा भेजा गया है तो आई थैंक रमन कौशल आपने मुझे ये सेंड किया क्योंकि ये ऑनलाइन अभी तक जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद नहीं है तो इसलिए जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वारी आ रही थी कि सर इस पर जो है आप वीडियो बनाइए तो चलिए अब हम बिना किसी देर के आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को जो है हम अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोग्राम अवेलेबल इन द मार्केट देखो प्रोग्राम अवेलेबल इन मार्केट टू यूज द कंप्यूटर तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज सॉफ्टवेयर पैकेज में आपके जो है आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं कोई भी आपने पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है जैसे कि एमएस ऑफिस हो गया ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है लेकिन इसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैड की फुल फॉर्म क्या थी हमने वीडियोज में भी पढ़ा है कंप्यूटर एडिड डिजाइन असेंबलर इज यूज असेंबलर का यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा The red wave underlined in MS Word document indicate देखो एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में जो लाल लाइन आपको देखने को मिलेगी अंडरलाइन किसी भी वर्ड के नीचे उसका मतलब होता है आपने जो है स्पेलिंग की एरर मिस्टेक की है यहाँ पे ठीक है अगर आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा अंडरलाइन तो आप समझ जाना कि वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है ये भी मैंने आपको वीडियो में कवर करवाया है वही क्वेश्चन जो देख लीजिए आपको पूछे गए हैं इस एग्जामिनेशन में से तो वीडियो को जो है ध्यान से देखा करो जो भी लेक्चर आता है उसमें जो है मैं एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताता हूँ उन्हें जो है बिल्कुल ध्यान में रखना ठीक है ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चन है तो ऐसे ही चलते गए जो है आपने एक्सप्लेनेशन जो है अच्छी तरह से सुननी है अब ये यहाँ पे क्वेश्चन था कि आपको देखिए डेटा रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चन पूछा गया था फिफ्थ नंबर पे जो कि ऑक्टल इक्विलेंट बताना था आपने ठीक है इसका बाइनरी जो है सिस्टम को आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो 72 सबस्क्रिप्ट 8 इसका आंसर हो जाना था ठीक है तो ये बाइनरी फॉर्म में लिखा गया था आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो कन्वर्जन भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज़ एट बिट कोड तो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है यहाँ पर इसका राइट right आंसर हो जाएगा एट बिट कोड यूज़ करता है विच आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज टू रिप्रजेंट कॉमनली यूज एप्लीकेशन तो आइकन के थ्रू जो है हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपका एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का पार्ट होता है लेकिन इसका डायरेक्टली जो सूटेबल uh, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आइकन्स विच कमांड इन डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी यूज टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल अगर आपने डॉस में यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अपने फाइल्स को एक्सीडेंटली रिकवर करना है डिलीट कर दी है मान लो एक्सीडेंटली और उसे रिकवर करना है तो आप अनडिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल करोगे ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल फॉर्मेट इज अ मैथड ऑफ रिकॉर्डिंग पिक्चर्स ऑन ए कंप्यूटर तो पिक्चर्स आप अगर आपने कंप्यूटर में देखनी है तो आपको मालूम है कि पिक्चर की जो एक्सटेंशन uh, फाइल होती है वो होती है डॉट जे होती है या फिर डॉट पी तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाता इन एम एस वर्ड मैग्नीफायर बटन इज़ अवेलेबल ऑन तो मैग्नीफायर में जो है आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है एम एस वर्ड में वो आपको प्रिंट प्रिव्यू टूल वॉर्क को जो है क्लिक करना होगा उसके बाद आपको मैग्नीफायर बटन देखने को मिल जाता है थ पे चलते हैं इन विच मेन्यू इन एस एक्सएल टेबल कमांड पाईवो टेबल कमांड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी इंसर्ट कम ठीक है इंसर्ट बटन को अगर आप क्लिक करोगे उसके बाद जो है आपको वहां पे पाइवोड टेबल कमांड की भी ऑप्शन देखने को मिलती है स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन विच मेन्यू तो व्यू वाले मेन्यू पे जो है आपको स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन मिल जाता है पावर पॉइंट में अब इस पर जो है हम प्रैक्टिकल वीडियोस बनाएंगे पावर पॉइंट पे एस एस पे एम एस एक्सल पे एम एस वर्ड पे ठीक है तो आपको जो है यहाँ पे सारे के जो प्रैक्टिकल आपके जो एम एस ऑफिस से पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो हम कवर अप कर लेंगे अब है हिमाचल का पार्ट जो कि यहाँ पे पूछी गई थी लोएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड कहाँ पे है तो रोड की लोएस्ट डेंसिटी आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगी हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स जो है आपको कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं जालसू पास किसे कनेक्ट करता है कांगड़ा को चंबा से कनेक्ट करता है तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर और ताल्सू माउंटेन पी आपको पीक जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है चैडविक वाटरफॉल जो है ये आपको समर हिल पहाड़ियाँ जो कि आपको शिमला में देखने को मिलेंगी और ये कोल्ड वाटर का है ठीक है कोल्ड वाटर का सेवनटीन चौतरा वैली जो है आपको मंडी में देखने को मिलेगी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ सेवनटीन संस्कृत नेम ऑफ रावी क्या था इरावती था बी इसका राइट आंसर हो जाना था बिलासपुर प्रिंसली स्टेट को फाउंड किसने किया था तो बीर चंद ने ऑप्शन नंबर सी विच दिल्ली सुल्तान कैप्चर कांगड़ा सुल्तानी देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने 13, में कांगड़ा को कैप्चर किया था ऑप्शन बी का ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अब चलते हैं ट्वेंटी वन पे यूनाइटेड सर्विस क्लब वॉज फाउंडेड एट शिमला इन विच ईयर तो यूनाइटेड सर्विस क्लब जो है ये शिमला में फाउंड आउट किया गया था एटीन 44 में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज जो कि आपका पपरोला में है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टोटल डेवलपमेंटल ब्लॉक्स इन हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में टोटल डेवलपमेंटल जो है ब्लॉक कितने हैं सेवेंटी एट है दूध गंगा स्कीम वाज लॉन्च इन हिमाचल प्रदेश दूध गंगा स्कीम जो थी हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई थी ये नबार्ड की सहायता से जो है लॉन्च की गई थी नबार्ड जो है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक है टूडा वैली टूडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट तो चंबा में है टूडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रासा डांस इज प्रेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो रासा डांस जो है ये आपका सरमोर में देखने को मिलेगा ढूंगड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश तो मनाली में ढूंगड़ी मेला मनाया जाता है डूंगरी मेला बेसिकली ठीक है डूंगड़ी मेला तो यहाँ पे ढालपुर मैदान में आई थिंक इसको बनाया जाता है ये वही मेला है तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा वट वॉज ओवरऑल रैंक ऑफ इंडिया इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी हेल्ड रिसेंटली इन न्यू दिल्ली तो इंडिया का जो रैंक था थर्ड रैंक था विच सिटी हैज़ रिसेंटली हॉस्टेड इंटरनेशनल जुडिशल कॉन्फ्रेंस तो न्यू दिल्ली ने जो है इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस की जो है हॉस्ट किया था विच स्टेट हैज़ रिसेंटली ऑर्डर द डिस्ट्रक्शन ऑफ थाई मंगूर फिश ब्रीडिंग सेंटर्स तो यहाँ पे इसका राइट right आंसर जो हो जाना था आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक है महाराष्ट्र इज़ द राइट आंसर तो देखिए दोस्तों यहाँ पे भी आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये जो है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन uh, मेरी वीडियोस के थ्रू जो है आपको जो मैं कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन गारंटेड क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ओके okay? तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं कोई जरूरी बात नहीं है इसमें ठीक है तो नेक्स्ट चलते हैं द टर्म जावा स्क्रिप्ट स्निफर्स दैट वॉज इन रिसेंटली न्यूज इज एसोशिएटेड विद तो जावा स्क्रिप्ट स्निफर्स जो कि अभी आपने न्यूज में देखा तो किससे रिलेटेड था वो एक मालवेयर था मालवेयर भी एक आपका वायरस टाइप का रहता है फर्स्ट फ्लोटिंग हैज बीन इनोग्रेटेड रिसेंटली इन तो जो है गोवा में आपको जटी जो है फ्लोटिंग जटी देखने को मिलेगी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अब यहाँ पे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे वो भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पे थर्टी थ्री नंबर पे क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज ठीक है कंप्लीट द सीरीज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो डी इसका राइट right आंसर था सिक्सटी थ्री आना था वन थ्री सेवन फिफ्टीन थर्टी वन फिर आपके बाद जो है सिक्सटी थ्री इसका राइट आंसर अब हम इसे जो है यहाँ पे आप ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आपको आंसर जो है मालूम होना चाहिए आंसर टिक करते चलिएगा थर्टी फोर का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर था थर्टी फाइव का जो था आपका ऑप्शन नंबर बी भाई ब्रदर आंसर था थर्टी सिक्स का राइट right आंसर था ऑप्शन नंबर सी थर्टी सेवन का राइट right आंसर था ऑप्शन नंबर बी लव एंड थर्टी एट का था आपका चंदूहड़ो देखिए विच इंडस वैली साइट इज ऑल्सो नोन एज लेकिन शायर ऑफ इंडिया तो चंदूहुरो आपको देखने को मिले चंदूहुड़ो आपको जो है बेसिकली आ, जो पाकिस्तान का पार्ट है वहां पे देखने को मिलता है विनायक पिटाका अ बुक रिटर्न इन विच स्क्रिप्ट विनायक पिटाका जो रिलेटेड थी आपकी बुद्धिज्म से रिलेटेड थी और बुद्धिज्म जो स्क्रिप्ट थी वो पाली लैंग्वेज में लिखी जाती थी थर्टी नाइन का ऑप्शन नंबर सी साका एरा जो है कब स्टार्ट किया गया था सेवेंटी एट ए में जब कुशान रूलर थे उस समय उनके द्वारा चलाया गया था फोर्टी वन द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली वॉज तो रजिया सुल्तान जो थी पहली वुमेन जो रूरल थी दिल्ली की बैटल ऑफ प्लासी जो थी आपकी सेवनटीन फिफ्टी सेवन में लड़ी गई थी और फोर्टी थ्री का राइट right आंसर जो था ऑप्शन नंबर डी था बॉम्बे था द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस एट बॉम्बे ठीक है याद रखना क्विट इंडिया रेजोल्यूशन कब पास किया गया था 1942 में कहां पे बॉम्बे में विच इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट अर्थ को ब्लू ब्लू प्लैनेट बोला जाता है वेरी इजी क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए हैं यहाँ पे द शॉर्टेस्ट डे इन नॉर्दर्न हेमिसफेयर देखिए अब यहाँ पे पूछा गया था आपके क्लर्क के एग्जामिनेशन में आई थिंक शॉर्टेस्ट ही पूछा गया था लेकिन वहां पर पूछा गया था सॉर्दर्न सउन हेमिसफेयर में तो वहां पे आंसर हो जाना था आपका ट्वेंटी जून लेकिन यहाँ पे शॉर्टेस्ट डे पूछा गया है नॉर्दर्न में उसमें भी शॉर्टेस्ट ही पूछा गया था लेकिन साउदर्न में पूछा गया था लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है ये आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूछा गया तो इसलिए ट्वेंटी टू डिसंबर इसका राइट right आंसर हो जाता सैंडस्टोन इज विच टाइप ऑफ रॉक सैंडस्टोन जो है आपकी सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक है उस एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि कॉल कौन सी टाइप की जो है रॉक है वो थी वो भी सेडिमेंट्री थी सी ब्रीज ब्लोन फ्रॉम तो सी ब्रीज जो है समुन्द्र से जो आपकी लैंड की ओर बहती है उसे हम सी ब्रीज बोल देते हैं विच इज परमानेंट बॉडी तो राज्यसभा जो है ये आपकी परमानेंट बॉडी है ये भी जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी पेश उठाया गया है क्लर्क के एग्जामिनेशन में हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे जी वी मावलंकर जी थे हु इज द गार्डन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे गार्डन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ठीक है प्रेजिडेंट नहीं है याद रखना सुप्रीम कोर्ट है ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच प्रोडक्शन देखो ग्रे रेवोल्यूशन जो है आपका फर्टिलाइजर से रिलेटेड था अब रेवोल्यूशन भी कई प्रकार के थे ब्लू रेवोल्यूशन है येलो रेवोल्यूशन है वाइट रेवोल्यूशन है ग्रीन रेवोल्यूशन है ठीक है इस प्रकार के जो रेवोल्यूशन हुए थे उनको आप जरूर याद रखिए पाँच छः सात जो है यहाँ पे टोटल हैं उन्हें जरूर याद रखना इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड फोर्टीन टू अचीव फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज फॉर द चिल्ड्रन द विच ईयर तो यहाँ पे राइट right आंसर था टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी लाइट ईयर किसकी यूनिट है डिस्टेंस की है स्टेनलेस स्टील इज एन अलॉय ऑफ किसका अलॉय है स्टेनलेस स्टील है जो है आपका आयरन क्रोमियल और क्रोमियम और निकल ठीक है स्टेनलेस स्टील आपकी घड़ियों में भी आपने अगर पहनते हो अपनी रिस्ट वॉच तो उसके पीछे भी लिखा होता है स्टेनलेस स्टील से बनी है उसका मतलब है उसमें आयरन है क्रोमियम है और निकल है मलेरिया इज कॉज बाय विच ऑर्गेनिज्म तो प्रोटोजोआ के थ्रू जो है मलेरिया फैलता है ये भी मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ जब हमने कवरअप uh, की थी डिजीजेज

ठीक है ठंडा शीतल यम का पर्यायवाची क्या है तो यम का पर्यायवाची जो है आपका कृतांत था ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अब थे यहां पे थोड़े के क्वेश्चन इन्हें देख लेते हैं 63 का राइट आंसर था डी ठीक है अगर आपने सही किया तो अच्छी बात है यहाँ पे आई थिंक ये जो है सी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है जी हाँ तो यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स का भी पार्ट प्ले करता है यहाँ पे आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्योंकि यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन जो रहते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवेडेशन जो आपकी एडिशन होती है सब्सट्रक्शन होती है तो इसमें जो है थोड़ा मैटिक मैथमेटिक्स का भी पार्ट रहता है तो उसे आप थोड़ा बहुत देख लेना विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड डेटा टाइप तो सी लैंग्वेज में डेटा टाइप क्या होते हैं मैंने पहले भी बताया था आपको कैरेक्टर होता है इंटीजर होता है फ्लोट होता है यहाँ पे डबल भी होता है लेकिन स्ट्रिंग कोई जो है ये एक डेटा टाइप नहीं है स्ट्रिंग एक कोई भी डेटा टाइप नहीं होता

ओके okay, तो ये ट्रू नहीं है क्योंकि सी जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज तो इसमें जो है ये वैलिड एक्सप्रेशन नहीं था ऑप्शन नंबर ए इज इज द द राइट आंसर ऑफ फॉलोइंग अ लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी इन विच द लूपिंग कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ द ईच इटरेशन तो यहाँ पे सी इज का राइट right आंसर था डू वाइल द ब्रेक स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज इन साइड डैश इन ए सी प्रोग्राम तो डी इज का राइट right आंसर था स्विच केस एंड लूप सी इज़ अ डैश जनरेशन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थर्ड जनरेशन ठीक है सी जो है आपकी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर लैंग्वेज है याद रखना अब सी पे भी हम जो है और लेक्चर लेंगे क्योंकि अभी हमें मालूम पड़ गया कि यहाँ पे तो बेसिकली प्रोग्रामर के लिए था तो इसलिए जो है टेक्निकल पार्ट यहाँ पे ज़्यादा पूछा गया था आप लोगों के लिए लेकिन जो आपका जे ओ वी का एग्जामिनेशन होगा उसमें इतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं कहंगे हो, क्वेश्चन आपको फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे तो उनपे ज़्यादा फोकस करिएगा लेकिन फिर भी हम जो हैं सी के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे वो भी फैक्चुअल सेवनटी टू पे चलते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग सी प्रोग्राम सेगमेंट तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर था लेफ्ट शिफ्टिंग एन इंटीजर बाय टू पोजिशन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर तो सी इसका राइट आंसर था सेवनटी फोर वट इज द रेंज ऑफ ए कैर डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज तो कैरेक्टर की जो है आपकी रेंज क्या है माइनर माइनस वन ट्वेंटी एट से लेके वन ट्वेंटी सेवन सेवेंटी सिक्स थोड़ा जो है ये थोड़ा धुंधला सा है तो फिर भी जो है दिखाई तो दे रहा है यहाँ पे सेवनटी uh, सिक्स पे चलते हैं ए डैश वेरिएबल प्रजर्व इट्स वैल्यू इवन आफ्टर द फंक्शन इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड हैज़ फिनिश्ड एग्जीक्यूशन तो स्टैटिक इसका राइट आंसर था सेवनटी सेवन का जो था आपका हैश इसका राइट आंसर था सेवेंटी एट का था बी ऑप्शन और सेवनटी नाइन का जो था uh, जो आपका सीमेंटिक एरर था एटी पे चलते हैं इसका ए इसका राइट right आंसर था इट कैन बी यूज इन साइड लूप क्वेश्चन इज मिसिंग आई थिंक या एटी फर्स्ट क्वेश्चन है पे मिसिंग है तो आप देख लेना इसका आंसर था यूनियन एटी टू पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन सी हैज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी तो देखिए असाइनमेंट जो होता है ए इज इकल टू असाइनमेंट बी तो इसका राइट right आंसर जो है ए ऑप्शन राइट था एटी थ्री टेक्निकल क्वेश्चन बी इसका राइट right आंसर था और नेक्स्ट जो है इससे इसके बाद उसका था ऑप्शन नंबर ए हीप 85 का था बबल सॉर्ट सॉर्टिंग पे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 86 का था डी 87 का था पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन बाई वैन ग्यूडोवेनरेसम ने पाइथन की खोज की थी ठीक है 90s में तो पाइथन इसका राइट आंसर हो जाता

वट इज द करेक्ट करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉर्स ट्रांसवर्सल इन दॉलोइंग्री आर यूजिंग पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सलोच तो यहाँ पे बी इसका राइट आंसर था नेक्स्ट का जो था डिज क्षत्रा ठीक है क्षत्रा एल्गोरिदम जो था इसका राइट आंसर था अप्लाइंग एंड इंक्रिप्शन प्रोसेस एंड प्लेन टेक्स है बी इसका राइट आंसर था नाइन्टी फोर का था आपका लेयर थ्री देखिए ई एसओसआई मॉडल यहाँ पर पूछा गया था तो इसकी नॉलेज आपको रखनी है यहाँ पे सी इसका राइट आंसर था नाइनटी फाइव का जो था वन सेवेंटी टू सिक्सटीन जीरो जीरो था ओके नाइनटी सिक्स की बात करें तो मेन फंक्शन ऑफ डोमेन नेम सर्वर इज टू ट्रांसलेट जो है डोमेन नेम्स इंटू आई पी एड्रेस तो यहाँ पे नाइनटी सिक्स का ऑप्शन नंबर सी था नाइन्टी सेवन का था ए फ्रेम नाइन्टी एट का था इंटरप्रेटेड और यहाँ पे नाइन्टी नाइन का था कंस्ट्रक्टर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपके आंसर जो है आप मैच कर लेना इन जावा द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक रिक्लेमिंग रिक्लेमिंग द मेमोरी कलेक्शन तो जो आपकी मेमोरी एलोकेट की जाती है तो अनरेफर्ड ऑब्जेक्ट्स ओके ऑटोमेटिक रिक्लेमिंग अगर उसकी होती है तो हम बोलते हैं गार्बेज गार्बेज क्या होता है कूड़ा खटकर जो भी होता है उसे हम गार्बेज कलेक्शन बोल देते हैं इसमें फॉलोइंगीचर इज सपोर्टेड बाई जावाई सी लैंग्वेज जावा इसे नहीं करती देखिए याद रखना इनहेरिटेंस जो है यहाँ पे जावा सी लैंग्वेज इसे सपोर्ट नहीं करती सी प्लस प्लस हालांकि दबिलिटी ऑफ एंड ऊप लैंग्वेज टू डिफाइन मल्टीपल मैथड विध सेम नेम एंड पैरामीटर इन द सेम क्लास तो मैथड ऑवरलोडिंग इसका आंसर था which of the following statement is not true about java programming so java programming support the concept of processor directives is right answer tha. which of the following types of members of a superclass can be assessed from uh, its derived class in java So public and protected only what is the correct syntax of deriving a subclass from an existing class in java so is a iska items right child extends parent class child extends parents.

विच ऑफ़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सी एस एस इज मोस्ट स्टेबल फॉर अपलाइंग सेम स्टाइल टू ऑल द वेब पेजेस ऑफ ए वेबसाइट तो एक्सटर्नल सी एस एस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सभी पेजेस को जो है आपके जो आपके एस्टिमेल पेजेस होते हैं उसमें सेम ही मतलब आपको जो है आ, जो आपका स्टाइल जो है अप्लाई करना है तो आप एक्सटर्नल सी एस एस का इस्तेमाल करेंगे उस समय वन हंड्रेड टेन पे चलते हैं वट इज द

उसे हम बोलते हैं एक्शन इज इक्वल टू पोस्ट जो जो है ये हम वहां पे बेसिकली लिखते हैं वन हंड्रेड थर्टीन का था इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो रेडियो बटन कैसे होते हैं इस तरह से गोल गोल जिसको हम जैसे कि आपको ऑप्शन पूछे जाते हैं ना मेल है या फीमेल है तो मेल के आगे एक रेडियो बटन होगा फीमेल के आगे एक रेडियो बटन होगा उनमें से जो है दोनों में से आपको एक ही सेलेक्ट करना होता है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इन एन एस्टि फॉर्म इनपुट एलिमेंट एनश्योर दैट द इनपुट एलिमेंट इज नॉट लेफ्ट ब्लैंक तो रिक्वायर्ड यहाँ पे हम यूज करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द एलोकेशन ऑफ पब्लिक इन ए फेयर एंड कंसिस्टेंट मैनर तो डी इसका राइट आंसर था वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन का था आपका टी डी ठीक है टेबल डेटा वन हंड्रेड सेवनटीन का था ओए ऑर्डर लिस्ट वन हंड्रेड एटीन का था आपका कॉल स्पैन टू वन हंड्रेड नाइनटीन का था ऑप्शन नंबर बी जावा स्क्रिप्ट इज एन एडिशन ऑफ जावा लैंग्वेज 120 पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट एन एरे इन द जावा स्क्रिप्ट तो ऑल ऑफ दीज का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी और 121 का जो था राइट आंसर 23 का राइट आंसर 22 का राइट आंसर था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल तो यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है वट इज द करेक्ट मैथड टू चेंज द कलर सी इज प्रॉपर्टी ऑफ एस टी एम एलिमेंट विद द डी एक्स यूजिंग इंग जावा स्क्रिप्ट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर वन हंड्रेड ट्वेंटी फोर का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी देर कैन बी मैरी प्राइमरी की इज इन ए सिंगल टेबल वन पे ट्वेंटी फाइव पर चलते हैं डी इसका राइट आंसर था वन ट्वेंटी सिक्स का राइट right आंसर था ऑप्शन नंबर बी वन ट्वेंटी सेवन का था ऑप्शन नंबर बी वन ट्वेंटी एट का था ऑप्शन नंबर बी याद रखना ये जो, ये जो है ये सीरीज डी है वन ट्वेंटी नाइन का था ऑप्शन नंबर डी वन थर्टी जो था विच ऑफ द फॉलोइंग डी डी एल कमांड ये ऑप्शन नंबर डी था वन थर्टी वन का था वेयर केयर वन थर्टी टू का था क्रोम एंड वन थर्टी थ्री का था आपका बाइट कोड 134 का था आपका ऑप्शन नंबर डी 135 का था आपका ऑप्शन नंबर डी 136 का था ऑप्शन नंबर आई थिंक डी इसका राइट आंसर होगा 137 का था ऑप्शन नंबर बी 138 का था ऑप्शन नंबर सी 139 का था अमेजोन जेफ बेजोस जो है फाउंडर हैं आपके अमेजोन के 140 का था ऑप्शन नंबर सी 141 का था ऑप्शन नंबर बी 142 का था ऑप्शन नंबर ए 143 का था ऑप्शन नंबर ए रैम ठीक है वॉलटाइल इन नेचर होती है ये 144 का था वेक्टर, 145 का था डेटा फ्लो प्रोग्राम 146 का था आपका वाटरफॉल, 147 का था आपका ब्लैक बॉक्स 148 का था आपका कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल 149 का था आपका सुपर इस तरह से जो है आप यूज़ करते हैं 150 का था लिनक्स और 151 का था ऑप्शन नंबर डी 152 का था ऑप्शन नंबर सी एंड 153 का था ऑप्शन नंबर ए 154 का था ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी सॉरी विच ऑफ़ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इंटरप्रेटर एज एन देखो इंटरप्रेटर का इस्तेमाल जो है पाइथन में किया जाता है देखो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में क्या फर्क है कंपाइलर क्या करता है एक ही प्रोग्राम को पूरी एक ही बार में जो है वो कंपाइल कर देता है मतलब उसमें एरर एक ही बार जो है उसको स्कैनिंग कर देता है लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है पहले पहली लाइन देखेगा उसमें कोई एरर नहीं है तो फिर सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट करेगा सेकेंड लाइन में एरर नहीं है तो थर्ड लाइन एग्जीक्यूट करेगा अगर उसमें एरर आ गया तो वो जो है वहीं पर प्रोग्राम खत्म हो जाता है पूरा प्रोग्राम रन नहीं करता तो ये बेसिकली इंटरप्रेटर का काम होता है 155 का था ऑप्शन नंबर डी और 156 डीएनएस था इसका राइट right आंसर 157 का था ऑप्शन नंबर बी 158 का था ऑप्शन नंबर डी प्राइमरी की 159 का था जावा डॉट लैंग वन का था डेटा बेस मैनेजमेंट 161 का था ऑप्शन नंबर डी 162 का था ऑप्शन नंबर बी एंड वन सिक्सटी थ्री का था ऑप्शन नंबर ए प्लॉटर विच ऑफ द फॉलोइंग दोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट अब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हाई क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो आप प्लॉटर का इस्तेमाल करेंगे ओके okay? वन सिक्सटी फोर का था फ्लॉपी डिस्क एंड वन सिक्सटी फाइव का था ऑप्शन नंबर डी डायनेमिक रैम विच ऑफ द फॉलोइंग मेमरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड देखो इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था जो आपकी रैम का जो हमने कंसेप्ट समझा था डायनेमिक्स और स्टैटिक रैम का तो उसमें बताया था कि ये बार बार रिफ्रेश करनी पड़ती है जो डायनोमिक रैम होती है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट अ कंप्यूटर मदरबोर्ड तो माइक्रो प्रोसेसर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है मदरबोर्ड के साथ कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट रैम जो थी इसके लिए साइंस के लिए ज्यादातर यूज होती थी और अगर आपको पूछा जाए कि बिजनेस रिलेटेड कौन सी थी वो थी आपकी कोबोल 168 का था सोर्स कोड 169 का था जो है ऑप्शन नंबर ए 170 लास्ट क्वेश्चन का था घीगा बाइट इसका आंसर था तो आई होप आपने ये जो है अपने करेक्शन कर ली है अपने आंसर्स में तो ये थी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक नए लेक्चर के साथ दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद